गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों कैसे हो आप लोग? सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों गुन्नू ने अभी एक नई चीज सीखी है, देखिए। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ गुन्नू, मुंह खोल के बोलो। जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। तो दोस्तों अभी इन्होंने नई चीज सीखी है। तो फिलहाल अभी नहाते धोते हैं, निकलते हैं क्लिनिक के लिए, क्योंकि आज ये कैंप भी है। देखते हैं ठंड बहुत ज्यादा है, पोजीशन क्या है कैंप की। तो मिलते हैं आपसे नहाने धोने के। तो गाइस अभी निकल चुके हैं कैंप के लिए। बरगावा आज पिहानी के पास पड़ता है, वही कैंप है। और मेरे साथ है आई सर्जन इब्बन खान, इनकी वैल्यू बहुत है मेरी क्लिनिक पे, है ना दोस्तों। तो अभी चलते हैं कैंप और आपको दिखाते हैं कि कैंप में कितने पेशेंट वगैरह आए हैं, क्योंकि ठंड तो बहुत है, उम्मीद तो बहुत कम से कम की ही है। फिलहाल फिर भी देखते हैं। दोस्तों जा तो रहे हैं, लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह पिहानी चुंगी पे कितना ट्रैफिक, ये देखिए दोस्तों, एज यूजुअल पिहानी चुंगी पे हमेशा की तरह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। हालांकि अब इसमें क्या कर सकते हैं, सबकी किसी की गलती भी नहीं है। फिलहाल पहुँचते हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो दोस्तों अपना कैंप वगैरह हो चुका है और अब निकल रहे हैं सीधे घर, खाना खाएंगे। आज खिचड़ा ही है तो खिचड़ी बनी होगी बढ़िया तरीके से, तो खिचड़ी खाते हैं उसके बाद अपनी ओटी वगैरह कराते हैं, है ना दोस्तों। तो दोस्तों अभी अपने सारे पेशेंट्स आ गए हैं। आज दो जगह कैंप था, बरगावा और गोपामाऊ, दोनों हरदोई में ही पड़ते हैं। तो गोपामाऊ में जो पेशेंट वगैरह डील करते हैं वो है ये असद ने अपनी क्लिनिक खोल रखी है संकल्प हॉस्पिटल के नाम से। वहीं पर असद पूरे पेशेंट वगैरह देखता है और सारे पेशेंट का ऑपरेशन, एक मतलब सारे पेशेंट्स को एक गाड़ी में करके यहीं हरदोई ले आता है। यहीं पे सारे ऑपरेशन हो जाते हैं और उनको वापस गोपामाऊ छोड़ दिया जाता है। बाकी की पूरा फॉलोअप वगैरह हमारे अंडर में चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है पेशेंट्स की। तो असद सारे पेशेंट सही है? सही है, ओके। तो असद अभी तक करीब मान चलिए 250 ऑपरेशन करा चुका है और सब सही चल रहा है। इस साल काफ़ी मतलब सही चल रहा है असद का काम। तो दोस्तों ये थे कुछ लोग जो मैं आपको दिखाता रहता हूँ। कई लोग आते हैं, छूटते रहते हैं हम लोगों से, क्योंकि काम अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं और गरीबों की भी सेवा हो जाती है इससे। जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे अंकित भाई हैं और हम यहाँ अपने पेशेंट लेके आते हैं और बहुत सारे गरीब लोग हैं बेचारे, जो जिनके पास व्यवस्था नहीं है, नहीं करा पाते हैं। हमारे अंकित भाई जो है कर देते हैं निःशुल्क ऑपरेशन, जिनके पास नहीं होता है वो करवा देते हैं यहाँ पे। तो अंकित भाई थैंक यू वेरी। तो भाई ये असद का प्यार है मेरे लिए जो वो दिखा रहा है फिलहाल। तो मुझसे जो हो सकता है मैं वो कर रहा हूँ अभी अपनी इस उम्र में, बाकी देखते हैं ऊपर वाला जो चाहेगा वो काम होता रहेगा, कोई दिक्कत। अभी अपने सर्जरी की तैयारी हो रही है, देखिए। हाँ बताओ, अभी देख रहे। तो गाइस अभी घर पहुंच गए हैं, अभी खाना वाला वगैरह नहीं खाया है और आते ही गुल्लू मेरे ऊपर तैयार होके बिल्कुल लद गई है। उसे कहना है कि उसे घुमाओ चल के। तो अभी गुल्लू को घुमाते हैं। गुल्लू जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। तो दोस्तों अभी इसने नया सीखा है ना, इसीलिए। तो अभी चलते हैं गुल्लू को घुमाते हैं, उसके बाद खाना ना खाते। तो आज घर पे बन रही है आलू की टिक्की, जो कि मम्मी बना रही है और सब सलाद वगैरह कट रहा है। तो देखते हैं जो फाइनल प्लेट सज के तैयार होगी वो कैसी लग रही है टिक्की की। ये अपनी गुल्लू जानू जानी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। पिस्ती करा दी मेरी।
चलो दोस्तों, तो दोस्तों अपनी घर की टिक्की तैयार हो गई है और आपको दिखाते हैं कैसी लग रही है वो। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल घर की है। और ये जो मटर है दोस्तों, ये हमारे खेत की है, ऑर्गेनिक मटर है। और जो आलू हैं ये भी हमारे घर के हैं, मतलब गांव में, वो भी ऑर्गेनिक आलू हैं। तो दोस्तों खाते हैं, अपनी टिक्की इंजॉय करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस अभी खाना वगैरह खा लिया और अब जा रहे सोने। सोने से पहले एडिटिंग वगैरह करेंगे अपने ब्लॉग की और आपसे मिलेंगे कल अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द अंकित वर्मा ब्लॉग्स। और दोस्तों जैसे जैसे मेरी हैबिट वापस से होती जाएगी अच्छी सी, मैं अपना ब्लॉग अच्छे से अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं कल, बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय कर लो, टाटा।